आज देश के सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उनके चुनावी इम्तिहान की डेट शीट आने वाली है, यानी कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव कराने का ऐलान संभव है। नवंबर के बीच से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो दिसंबर के बीच तक चल सकती है। संभावना है कि चुनाव आयोग मतदान के लिए 10 से 15 दिसंबर के बीच की तारीख तय करे। 2018 में चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। साल 2018 में छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराए गए थे। मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में एक ही चरण में चुनाव कराए गए थे। राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया था। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को अपने पर्यवेक्षकों की एक बैठक भी बुलाई थी।